मुंबई के घाटकोपर इलाके में कार से 72 लाख रुपए हुए नगद जब्त। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सास ससुर की मानसिक शांति के लिए बहू को बेघर नहीं किया जा सकता, बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। ये अच्छी खबर है ना। मुंबई का निवेश सलाहकार हुआ फरार, ठगी के शिकार हुए अभिनेता अनु कपूर समेत कई कलाकार। वहीं आप सभी को बता दें, आने वाले दिनों में मुंबई में लू चलेगी और काफी गर्मी का पारा बढ़ेगा। वहीं एक अच्छी खबर, मुंबई पुणे के बीच दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बस। भाजपा से गठबंधन को लेकर राज ठाकरे ने बुलाई पदाधिकारियों की बैठक, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जल्द ही मामला क्लियर हो जाएगा सब। मालेगांव विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर लगाई रोक। वहीं मुंबई में डॉक्टर साहब का खुद पर इलाज करना पड़ा महंगा, रिएक्शन होने से हुई मौत। आप सभी को बता दें, मुंबई में अब तक नहीं शुरू हुई नाला सफाई, लोकसभा चुनाव के कारण प्री मानसून कार्य प्रभावित होने की संभावना है। मुंबई मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में प्रमुख वैश्विक शहरों में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, तो मुंबई में घर लेना काफी महंगा है। वहीं बीते दिन मंदिर के बगल में इंकलाब खान ने किया आक्रमण, शिकायत करने वाले 5 हिंदुओं को मारा चाकू, बीएमसी ने चलाया बुलडोजर, हुआ गिरफ्तार। दुबई से मुंबई आ रही महिला ने सैंडल में छिपाकर लाई गोल्ड चैन, हैरान रह गई अफसर, मामला हुआ दर्ज। आप सभी को बता दें, मुंबई की 66 कंपनियों ने दिया 1344 करोड़ रुपए का चंदा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 11% की हिस्सेदारी। चुनाव आयोग के आदेश के बाद कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का हुआ तबादला, भूषण गगरानी नए आयुक्त नियुक्त किए गए। वहीं एक अच्छी खबर, आने वाले दिनों में मुंबईकर मोबाइल ऐप के जरिए बीएमसी अस्पतालों में अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। वहीं मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ा शिवसेना का कुनबा, नगर सेवक समेत कई कार्यकर्ता शिंदे गुट में हुए शामिल। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा खबर। मुंबई मास की सभी ताजा खबरें से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबाना। थैंक यू।